हाय गाइस, मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिट लाइफ बाय अमिता पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ले जाऊंगी अमेरिका के गैस स्टेशन और मैं दिखाऊंगी कि यहां अमेरिका में गैस कितने का मिलता है। चलिए एंड तक ये वीडियो जरूर देखिए क्योंकि आपको इनमें पता लगेगा कि अमेरिका में गैस महंगा है या पानी। तो चलिए सबसे पहले गैस स्टेशन चलते हैं यानी कि पेट्रोल पंप, और रास्ते में कॉफी लेते हुए चलते हैं वहाँ ताकि ड्राइव भी एंजॉय करें साथ में कॉफी के साथ। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। और गाइज, अगर आप सबको मेरी वीडियोस देखना पसंद तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें इस वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर करें और सपोर्ट करें मेरे चैनल को। और मैं काफी सारे पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पे भी डालती हूँ, तो अगर आप सब मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो मेरी आईडी है फिट लाइफ बाय अमिता, ये रही स्क्रीन पे, तो इसे जाके फॉलो कर ले क्योंकि मैं वहां पे भी काफी सारे पोस्ट डालती रहती हूँ। तो चलिए ड्राइव के मजे लेते हैं, कॉफी लेते हैं और फिर पहुंचते हैं पेट्रोल पंप यहाँ अमेरिका का, यानी कि इसे गैस स्टेशन कहते हैं यहाँ अमेरिका में। तो चलिए चला जाए। भी कम था तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दी जाए जब मैं गैस फिल करूंगी, तो गैस यानी कि पेट्रोल। तो गैस स्टेशन चलते हैं, बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है आज, 12 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर है यहाँ अमेरिका में। टर्न्स पे काफी ज्यादा देखना होता है कि कभी कोई गाड़ी ना आ रही हो और गाड़ी देखते हुए टर्न लेना होता है। चलते हैं गैस स्टेशन, उससे पहले चल के मैं कॉफी ले लेती हूँ। सो जैसे कि इंडिया में लेफ्ट फ्री होता है हमेशा, यहाँ अमेरिका में ड्राइविंग में राइट फ्री होता है, यानी कि जब भी रेड सिग्नल है तो भी आप राइट मुड़ सकते हैं, पर देखना है आपको कि दूसरे साइड से गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है, वो आपको देखना होता है। और अगर नहीं आ रही है तो आप मोड़ सकते हैं इवन रेड सिग्नल पे। ये सामने शायद ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसलिए घेर रखा है इन्होंने और ये बीच में एक लेन बना रखा है। और यहाँ से लेन खुलते ही मैं सीधी वाली लेन में मर्ज हो जाऊंगी। बस स्टारबक्स आने वाला है और वहां से कॉफी लूंगी और फिर गैस स्टेशन उसके बाद। तो चलिए ड्राइव थ्रू में चलते हैं। हाँ क्या? No, I'm good. Okay, thank you. So, मैंने कॉफी ऑर्डर कर दिया है और अब जाके सामने वाली विंडो से पिकअप करना होता है। ये काफी अच्छा सिस्टम है, कोविड में स्पेशली आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। It was a good day though. All right. Well, very beautiful weather. I know. Finally, right? We're getting some good stuff here. So. Yeah. Enjoy the caffeine. Have Thank a good you. Rest you too. Thank you. तो यहाँ अमेरिका में गाइज एक चीज काफी आपको देखने को मिलेगी कि आप किसी से भी मिलते हैं स्टोर वगैरह में तो जनरली लोग आपसे हाय हेलो या बातचीत करते हैं, जनरल क्वेश्चंस कि आपका दिन कैसा जा रहा है, आप कैसे हो। यहाँ पे सारे लोग ऐसे बात करते हैं जब भी आप किसी भी स्ट्रेंजर से मिलते हो स्टोर में, या इवन आप रोड पे जा रहे हो तो लोग ऐसे बात करते हैं। काफी अच्छी चीज मुझे ये लगती है जब आपसे कोई अजनबी आपके बारे में पूछता है या जानने की कोशिश करता है। तो जैसे आपने देखा ही वो बंदा जिसने मुझे कॉफी सर्व किया वो बात कर रहा था, तो अच्छा लगा काफी। हमारे यहाँ ट्रेन में भी ऐसे ही होता है राइट, जब भी हम ट्रेन या फ्लाइट से इंडिया में सफर कर रहे होते हैं बसेस में, तो इंडिया में भी लोग जानने की कोशिश करते हैं आपके बारे में, जान पहचान बढ़ाते हैं, तो काफी अच्छा लगता है ऐसे अजनबियों से बात करना। जहाँ मैं जा रही हूँ गाइज वो है कॉस्को। मैंने कॉस्को पहले ही दिखाया हुआ है अपने ग्रोसरी शॉपिंग की वीडियो में, उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जहाँ मैंने कॉस्को स्टोर से शॉपिंग की है। तो वही
उन्हीं स्टोर वालों का, यानी कि कॉस्को का ही गैस स्टेशन है यहाँ, यानी कि पेट्रोल पंप, तो मैं वहीं से गैस फिल करती हूँ। और रीजन ये है गाइस, क्योंकि माना जाता है कि कॉस्को का गैस जो है यहाँ अमेरिका में सबसे अच्छे क्वालिटी का होता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेबी में कोई भी गंदी क्वालिटी का मैं पेट्रोल डालूं, यानी कि जो मेरी कार है उसमें मैं कोई भी गंदे क्वालिटी का पेट्रोल डालूं, इसलिए मैं प्रेफर नहीं करती कोई भी दूसरा गैस स्टेशन यूज करना। सो गाइस, जब मैं यहाँ आई थी तो काफी ज्यादा भीड़ थी पेट्रोल पंप पे, तो इसलिए मैंने पहले ग्रोसरी शॉपिंग कर ली और अभी मैं जाऊंगी गैस स्टेशन। चलिए देखते हैं, आई होप कि ज्यादा भीड़ ना हो और मैं आप सबके लिए वीडियो बना पाऊं। तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी भीड़ है गैस स्टेशन पे, पर चलिए क्विकली फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। मैंने बेल्ट निकाल लेती हूँ क्योंकि अभी नीचे गैस फिल करने जाना है। तो गाइस, यहाँ अमेरिका में आपको खुद गैस फिल करना होता है, यहाँ कोई लोग नहीं होता आपकी हेल्प करने के लिए, यानी कि कोई आपके कार के अंदर पेट्रोल नहीं भरेगा, आपको खुद ही पेट्रोल भरना पड़ता है। अभी मैं आ गई हूँ तो सामने देखिए कैसे काफी सारे लोग गैस फिल कर रहे हैं। मैं वेट कर रही हूँ सामने वाली गाड़ी, जब आगे निकल जाएगी तब मेरा नंबर आएगा, तो अभी होने वाला है और उसके बाद चलते हैं पेट्रोल भरते हैं। मैं दिखाती हूँ यहाँ कितने टाइप के पेट्रोल होते हैं अमेरिका में और क्या प्राइस है यहाँ। अगर मैं प्राइस की बात करूँ गाइस, तो यहाँ अमेरिका में फ्लक्चुएट होता रहता है हमेशा गैस का जो प्राइस है। तो अभी जैसे सामने ये निकल गया तो अब मैं आगे जा सकती हूँ और मैं अब बस सामने ये लगा दूंगी और चलिए बाहर चलते हैं गाड़ी बंद करके। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे आपको मेंबरशिप कार्ड लगाना होता है कॉस्को गैस स्टेशन पे, तो ये मेंबरशिप का कार्ड है मेरे पास, तो ये लगा लेती हूँ और ये लगाने के बाद पेमेंट कार्ड लगाना होता है। तो पेमेंट कार्ड अब लगाना है मुझे, तो ये रहा पेमेंट कार्ड और अब रिमूव कार्ड का इंस्ट्रक्शन आ गया। मैं रिसिप्ट लेना चाहूंगी और इसे नोजल कहते हैं, ये जो सामने देख रहे हो, तो इंस्ट्रक्शन आ गया यहाँ पे कि रिमूव नोजल, तो इसे निकाल दिया और साथ में मुझे ग्रेड सेलेक्ट करना है, तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं स्टार्ट कर दूँ, सो गाइस, यहाँ अमेरिका में 3 ग्रेड के ऑयल होते हैं। इस गैस स्टेशन पे 2 ग्रेड का पेट्रोल मिलता है, यानी कि 87 और 93। अगर आप यहाँ देखोगे जूम में तो ये रेगुलर गैसोलीन है और ये प्रीमियम है। मैंने यहाँ 93 ग्रेड का गैस यानी कि पेट्रोल सेलेक्ट किया है क्योंकि मेरी कार लग्जरी कार्स में आती है, तो मैं हमेशा प्रीमियम गैसोलीन प्रेफर करती हूँ, यानी कि प्रीमियम जो बेस्ट कैटेगरी है यहाँ पेट्रोल का 93 पॉइंट्स है, उसके 93 नंबर लिखा होता है, तो वो ही मैं फिल करती हूँ अपनी कार में। जो नॉर्मल कार्स होती हैं, जो लग्जरी कार्स नहीं होती, यानी कि ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज या पोर्श, ये सारी जो कार्स नहीं होती, उन सब में ये 87 वाला गैस जाता है, पर मेरे कार में 93 वाला जाता है। तो पूरा फुल टैंक करना है तो इसलिए टाइम लग रहा है और भर गया है ये ऑलमोस्ट अभी पूरा फुल टैंक। और मैं प्राइस भी आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पे जो प्रीमियम कैटेगरी का गैस है उसका प्राइस थोड़ा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू जो रेगुलर है, यानी कि जो 87 नंबर का था वो थोड़ा सस्ता होता है और जो 93 का है थोड़ा महंगा होता है। तो आइए मैं प्राइस दिखाती हूँ। और अब जब नोजल हो जाता है तो उसे निकाल देने का और गैस मैंने खुद भर लिया और यहाँ से रिसिप्ट आ जाता है कि कितने पैसे लगे। तो गाइस, अगर आपको प्राइस की बात करूं तो देखिए अभी आपको $2.59 का ये रेगुलर गैस मिल रहा है और $3.05 का प्रीमियम गैस मिल रहा है,
तो ये गैलन के हिसाब से होता है। अमेरिका में जो पेट्रोल है या गैस है वो गैलन के हिसाब से होता है। तो अगर मैं 1 लीटर पेट्रोल की बात करूँ यहाँ अमेरिका में, और जो रेगुलर पेट्रोल है और जो प्रीमियम गैस है, इन दोनों की बात करूँ, रेगुलर गैस अप्रॉक्सीमेटली 51 रुपीज पर लीटर होता है और प्रीमियम गैस 60 रुपीज पर लीटर। तो 220 रुपए में 4.25 लीटर प्रीमियम गैस मिलता है। वैसे ही आप लगा लो यहाँ $2.6 का रेगुलर गैस है, तो अप्रॉक्सीमेटली 185-190 के अराउंड आ जाएगा 4.25 लीटर ये रेगुलर गैस, और वो है प्रीमियम, यानी कि वो हो जाएगा 220-225 रुपए का है 4.25 लीटर पेट्रोल। चलिए अब यहाँ से निकला जाए। 1 गैलन पानी का प्राइस आप देख लो स्क्रीन पे, आपको आइडिया लग जाएगा कि अमेरिका में पानी कितना महंगा है। तो गाइज आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी और आप सबको यहाँ अमेरिका का गैस स्टेशन देखने को मिला और आप लोगों को पता चला कि यहाँ पेट्रोल जो है वो कैसे मिलता है, उसका रेट क्या है, कितना प्राइस है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें इस वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं कोशिश करूंगी कि आप सबके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूं। ऑलराइट गाइस, स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय।